first of all, I would like to congratulate Team Syriac for their new venture, which is related to fashion. They've already been rocking, you know, as a Syriac, but this time it's related to fashion, related to designers, related to clothing and jewelry lines. So I'm really happy about that. डेफिनेटली इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि एक अच्छा सा एक लग्जरी फेस्टिवल एग्जीबिशन होगा जहाँ पर अनेक चीज़ें दिखाई देगी, यू नो, कार्स, वॉचेस, डिज़ाइनर आइटम्स, कपड़े वगैरह सब. तो आई थिंक इट विल बी अ गुड एटमोसफेयर. माहौल मस्त लग रहा है, तो देखेंगे क्या होता है. आई थिंक शाम के लिए एक कोई पेस्टल सा आउटफिट जो खूबसूरत लगे शाम में, वो हम पहन लेते हैं कहीं जाने के बाद. मैं इंडस्ट्री में सभी को पसंद करता हूँ. आई थिंक जो इंडस्ट्री में है वो अपनी एक ख़ास वजह से हैं, अपने एक ख़ास हुनर की वजह से. तो कोई ये कहना कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं. और वो कम लोग इसलिए हैं क्योंकि बहुत ख़ास लोग हैं हिंदुस्तान के जिनमें एक बहुत स्पेशल टैलेंट है. तो चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो ऋतिक रोशन हों, चाहे वो शाहरुख हों, आमिर हों, सलमान हों, रणबीर हों, टाइगर हों, वरुण हों, सारे जो हैं वो रणबीर हैं, सबका एक स्टाइल स्टेटमेंट है और सभी बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ एज एक्टर्स बट एज ह्यूमन बींग्स और एज मुझे लगता है कि एज फैशनिस्टर्स जिसको कहते हैं, जो एक फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं या देते हैं.